फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए साधना न्यूज, धन्यवाद। चंद्रशेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। साधना न्यूज की टीम आज सामरी विधानसभा पहुंची और सामरी विधानसभा के जो लोकप्रिय विधायक चिंतामणि महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज यहाँ के विधायकों की जो विधायक की कार्यों की बात है, विधानसभा की बात, वो आपके साथ आज करने के लिए हम मौजूद है। हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा हम आपका विधायक जी की, हमारे साधना न्यूज में आपने विशेष समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। आपकी विधानसभा की बात करूँ, विधानसभा कार्यों की बात करूँ, कितना कार्य चल रही है और कितने कार्यों से आपके यहाँ के लोग खुश हैं? मैं सबसे पहले तो साधना न्यूज के टीम को नमस्कार करता हूं और जो भी दर्शक हैं सभी को मेरा नमस्कार। आज प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। वैसे शिक्षा और स्वास्थ्य मेन रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हमारे गांव के लोग सोचते थे कि हम किस तरह से अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकें, क्योंकि उनके पास फीस नहीं होने के कारण प्राइवेट विद्यालयों में नहीं पढ़ा सकते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं हमारे विधानसभा की जनताओं की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस स्कीम को लागू किए, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसमें हमारे गाँव के बच्चे जो वास्तव में जिनको शिक्षा का आवश्यकता था, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको वो शिक्षा मिल पा रहा है जो अच्छे अच्छे स्कूलों में नहीं मिल पाता है। अभी दो दिन पहले कुसमी आत्मानंद स्कूल में शाला प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम था। मैं वहाँ देखा बच्चों का टैलेंट, इंग्लिश में भी उतना ही फर्राटेदार बोल रहे थे और संस्कृत में भी उतना ही फर्राटेदार बोल रहे थे। उसको देखने के बाद मेरे को लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस मंशा से इस विद्यालय का शुरुआत किए हैं, उनके मंशानुरूप वहाँ के सारे स्टाफ काम कर रहे हैं, जिससे बच्चे जिनको जो शिक्षा का आवश्यकता है चहुमुखी विकास के लिए, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, सभी भाषाओं में हमारे बच्चे दक्ष हो रहे हैं। निश्चित रूप से इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम है। शिक्षा के बाद अगर हम स्वास्थ्य को देखेंगे तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं। जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, सभी जगह उस क्षेत्र के आवश्यकता अनुसार जिन जिन चीज़ों का आवश्यकता था उसको वहाँ पूरा किया गया। उसके साथ साथ एक ऐसा दवाई दुकान का वो श्री गणेश की धनवंतरी के नाम से है वो, जिसमें लोगों को बहुत सस्ते कीमत पर दवाई खरीद उनको मिल पा रहा है। आज अगर देखा जाए तो हर घर में कोई ना कोई बीमार है और बीमारी में जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, लेकिन उनको आधे कीमत में मिलने से उनको काफ़ी राहत हुआ है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि हाट बाज़ारों में भी मोबाइल क्लिनिक वहाँ तक जा रहा है, हाट क्लिनिक, जिसमें वहाँ हाट बाज़ार में जो भी बाज़ार आ रहे हैं उनका भी इलाज हो पा रहा है। उस गाड़ी में लगभग सारा व्यवस्था रहता है, शुगर का, बीपी का चेक भी हो जाता है, दवाई भी मिल जाता है। उसके साथ साथ अन्य जो भी बीमारी आता है उसका भी वहाँ पर उपचार सही हो जाता है, जिसके कारण लोग काफ़ी खुश हैं। विधायक जी, लगातार हमने यहाँ के लोगों से ही बात की, सड़कों को लेकर यहाँ लोग सड़क के लिए हमेशा मांग करते आ रहे हैं कि सड़क नहीं मिल पा रहा, सड़क बन नहीं पा रहा, तो सड़क के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? नहीं, सड़क के लिए बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री की बजट में सभी रोडों का, जिस जिन रोड खराब हैं वो सभी रोडों के लिए बजट में भी प्रावधान कर दिए हैं।
और जितना पीएम जेसवाई रोड है वो तो लगभग लगभग सारे नवीनीकरण का काम जो होना था, नवीनीकरण और मजबूतीकरण का काम वो लगभग हो चुका है। कुछ क्षेत्रों में बाकी है, अभी बरसात होने के कारण क्योंकि डामरीकरण हो नहीं सकता है बरसात निकलने के बाद, अभी मेरे को लगता है 10% ही बाकी होगा पीएम जेसवाई का रोड। तो बरसात निकलने के बाद मेरे को लगता है चुनाव के पहले तक जितने भी पीएम जेसवाई के रोड हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। जहाँ तक जो बजट में है और कई रोडों का प्रशासकीय स्वीकृति भी मिल गया है, जैसे अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो कुशबी से कोरंधा रोड जो अंतर्राज्यीय सड़क है, झारखंड को जोड़ता है, वो सड़क भी उसका भी प्रशासकीय स्वीकृति हो गया है और बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा। बरसात बाद में चौड़ीकरण भी होना है और मजबूतीकरण भी होना है, पूरा डामरीकरण होगा तो निश्चित रूप से लोगों को ये सुविधा मिलेगा। ये काम निश्चित रूप से जल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन 2 वर्ष हम लोग कोरोना काल झेले हैं जिसके कारण बहुत सारे कामों में हम समय पर नहीं कर पाए, लेकिन इसके बाद भी हमारा प्रयास है कि जो भी प्राथमिकता का काम है उसको यथाशीघ्र हम पूर्ण करें। अगर रोड में आप देखेंगे तो कुसमी से जसपुर रोड है, उसमें भी काम चल रहा है। अभी बरसात में चूँकि किसी भी रोड में डामरीकरण नहीं हो सकता है, तो बरसात में जो काम हो सकते हैं वो काम अभी हो रहा है। जैसे अगर आप राजपुर ब्लॉक में देखेंगे तो वहाँ राजपुर से प्रतापपुर वाला जो रोड है उसमें भी बहुत स्पीड से काम चल रहा है और निश्चित रूप से रोड आने वाला समय में सब ठीक हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बचे हुए हैं, कैसी तैयारी रहेगी विधायक जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार लगातार बहुत सारे महत्वाकांक्षी योजना चला रही है? हमको सरकार के योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है और हम पहुंचा भी रहे हैं। उसके बाद हमको कोई बहुत ज़्यादा तैयारी करने का आवश्यकता नहीं है। लोगों को जो हमारी सरकार वादा की थी 2500 रुपये कुंटल धान खरीदने के बाद, 2500 रुपया कुंटल धान खरीदी, अभी इस साल तो मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हैं कि हम 2800 रुपये कुंटल लेंगे और उसके साथ साथ 1 एकड़ में जो 15 कुंटल ले रहे थे अब उसको 20 कुंटल लेंगे। तो निश्चित रूप से जो किसान हैं, हमारा जो प्रदेश है ये किसानों का प्रदेश है और किसान हर स्थिति में खुश हैं। ये तो धान खरीदी का मामला हुआ, इसके साथ साथ जो छोटे किसान हैं जो आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं हैं उनके लिए भी सरकार व्यवस्था की है। गोबर खरीदी का जो गोठानों में गोबर खरीदी हो रहा है, 2 रुपया किलो गोबर खरीदी हो रहा है। अगर हम देखेंगे सरकार के इस योजनाओं को तो कितना महत्वपूर्ण योजना है। 1 रुपया किलो हम लोगों को चावल दे रहे हैं और किसान हमारा सबल हो आर्थिक रूप से उसके लिए गोबर 2 रुपया हम खरीदी कर रहे हैं, गोमूत्र का खरीदी कर रहे हैं। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा सोच है, आज जो रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है, दवाइयों का उपयोग हो रहा है, कीटनाशक दवाइयों का, जिसके कारण लोग हर व्यक्ति कुछ न कुछ रोग से पीड़ित है। आने वाला समय में हम रासायनिक खाद बंद करके गोबर से बना हुआ जो खाद है उसका उपयोग अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से बीमारी भी कम होगा, हमारे लोग स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ तन रहेगा, स्वस्थ मन रहेगा। तो निश्चित रूप से जिस छत्तीसगढ़ का कामना माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में है उसके अनुरूप हमारे यहाँ के जनता भी होंगे। किसानों को, आपने किसानों की बात की, किसान लगातार छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि धान खरीदी की बात करूं या गौठान की बात करूं, नरवा गरवा बाड़ी जो इनका स्कीम चल रहा है, यहाँ अगर आपकी विधानसभा में पूछा जाए तो आपकी विधानसभा में कितना लाभ उठा पा रहे हैं? निश्चित रूप से अभी देखिए गौठान जो है ये हर ग्राम पंचायतों में तो नहीं बन पाया है, लेकिन ज़्यादातर ग्राम पंचायतों में बन गया है और वहाँ लोग उसका लाभ भी उठा पा रहे हैं। और एक उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं, शंकरगढ़ ब्लॉक में एक गाय रखता है, डेयरी है उसका,
कि कोरोना काल में एक गाय उसका खत्म हो गया, गोबर बेच करके दूसरा गाय खरीदा वो, एक मुसलमान परिवार से है, और गोबर खरीद गोबर बेच करके और दूसरा गाय बहुत अच्छे नस्ल का 60-70 हज़ार का लाया वो, तो निश्चित रूप से गोबर खरीदी से गोबर बेच करके लोग आर्थिक लाभ ले रहे हैं। उसके साथ साथ वैसे ड्रीम प्रोजेक्ट हम किसको बोलें, सारे के सारे मुख्यमंत्री जी के बहुत महत्वपूर्ण योजना हैं। अगर हम नरवा गरवा घुरवा बारी का बात करें, इसमें विपक्ष जो है मजाक उड़ाता है, लेकिन अगर उसको अगर हम गंभीरता से देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मानसिकता है वो समझ में आएगा। नरवा का जहाँ तक बात है, मैं चारों को जरा विश्लेषण कर देता हूँ। आज हम गाँव में जा रहे हैं तो अधिकतर जल संकट हमको मिल रहा है, जो हमारे पास बोरिंग थे जिसमें पानी अभी गर्मी में नहीं आ पा रहा है, जल स्तर नीचे जा रहा है, तो उस जल स्तर को यदि हमको ऊंचा उठाना होगा तो जो नरवा का काम है ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इस काम को नहीं करेंगे तो आने वाला समय में पेयजल के लिए बहुत बड़ा संकट आएगा। ये जो नरवा का जो योजना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। उसके साथ साथ नरवा के बाद गरुआ, गरुआ माने गाय बैल को बोलते हैं हम लोग, धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं हम लोग, गौ माता की जय कहते हैं, तो गौ माता की जय कह देने से केवल गौ माता की जय नहीं होगा, उसके लिए कुछ योजना हमारे पास रहे जिससे लोग गौ का सेवा कर सकें। जब गोबर खरीदी का बात हुआ तब से आप देखेंगे रोडों में गाय बैल घूमते आपको नज़र नहीं आएंगे, तो निश्चित रूप से उस गौ वंश का भी रक्षा हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारे जो किसान हैं जो आर्थिक रूप से उनको मजबूत करने का आवश्यकता है तो गोबर बेच करके वो मजबूत हो रहे हैं। ये नरवा गरवा, इसके बाद घुरवा, घुरवा माने खाद, खाद आज रासायनिक खाद का उपयोग करके, जब हम रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं तो फिर हमको कीटनाशक दवा का भी उतना ही आवश्यकता होता है। अभी हमारे क्षेत्र में आप देखेंगे मिर्चा का खेती बहुत हो रहा है जिसमें पूरा का पूरा रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, तो रासायनिक खाद का उपयोग करने से वहाँ कीटनाशक दवाओं का बहुत ज़्यादा उपयोग करना रहता है, तो अगर हम रासायनिक खाद अगर उपयोग बंद करेंगे निश्चित रूप से शुरू में हमको लगेगा कि रासायनिक खाद से हमको इतना लाभ मिल रहा था, लेकिन हम गोबर खाद का उपयोग कर रहे हैं तो कम लाभ मिल रहा है, लेकिन उसका लाभ जो आप घर में जो कमा के रखे हैं उस पैसे को स्वास्थ्य के लिए बीमारी होने के कारण जो आप निकालते हैं वो निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बाड़ी है, बाड़ी में लोग खुद खेती करेंगे, साग सब्जी लगाएंगे और शुद्ध चीज़ उन लोग खा सकेंगे। आज बाज़ारों में हम देखते हैं, आप अगर बाज़ार में जाएंगे तो दिखेगा बहुत चमचमाता हुआ भंटा दिखेगा, उसको आप धोएंगे तो उसमें कलर निकलता है, तो इस तरह केमिकल का जो उपयोग हो रहा है जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य में भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो अपने अपने बाड़ी में जब अपने खाने के लिए लोग जब खेती करेंगे तो निश्चित रूप से अपने खाने के लिए जो खेती करेंगे उसमें रासायनिक खाद का उपयोग नहीं के बराबर करेंगे, तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, उनको खाने के लिए जब अच्छा चीज़ मिलेगा तो निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी योजना ड्रीम प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं, ये नरवा गरवा घुरवा बारी हो गया, फिर स्वामी आत्मानंद स्कूल हो गया। विपक्ष एक चीज देखा जा रहा है विधायक जी, विपक्ष हमेशा हावी होता है, उनका कहना कि 2 रुपए किलो गोबर लेके वही गोबर को किसानों को जबरन बेचा जा रहा है। जबरन बेचा नहीं जा रहा है, देखिए जो विपक्ष है उनका काम ही विरोध में बात करने का है, गलती नहीं है तो भी गलती खोज रहे हैं। जैसे अभी आपका ही कार्यक्रम चल रहा था तो बात आया कि कांग्रेस सरकार में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है उतना कहीं नहीं हुआ, अगर उसी में जो पिछले 15 साल की जो बीजेपी की सरकार थी उसमें आप देखेंगे ये रतन जोत का लगभग पूरा खेती की है उन लोग, यहाँ पर रतन जोत लगा हुआ है,
जिसका कोई उपयोग नहीं। उस समय तो ये कहा गया कि तेल खाड़ी से नहीं बाड़ी से, लेकिन बाड़ी से मेरे को नहीं लगता कि आज तक एक लीटर भी उसका डीजल बन पाया होगा। तो भ्रष्टाचार का जो बात करने वाले हैं, जो भ्रष्टाचार से आकंठ डूबे हुए हैं, उन लोग क्या भ्रष्टाचार का बात करेंगे। आज यहाँ की जनता खुश है, खुश क्यों है? जनताओं के अनुकूल सारे योजना है, इसलिए जनता खुश है। भ्रष्टाचार का बात कहाँ पर आ रहा है? निश्चित तौर पे देखा जाए तो एक लोकप्रिय विधायक भी है यहाँ के और जनता से काफी जुड़े भी हुए हैं। विधायक जी, एक प्रमुख समस्या हमने यहाँ बात की तो नल जल योजना जो है, पानी की समस्या, स्थानीय लोगों को ज्यादा दिक्कत है। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है। ये जो नल जल योजना है, इसमें समय पर निश्चित रूप से काम पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं इसके लिए कलेक्टर साहब से भी और PHE के जो ई हैं उनको भी मैं निर्देशित किया हूं कि जहां जहां का काम चल रहा है उसको हम सही समय पर पूरा कर दें, जिससे सरकार का जो मंशा है कि हर घर तक पानी देना है, उस पानी को हम लोग हर घर तक दे सकें। विधायक, चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव ज्यादा दिन बचा नहीं, कुछ ही दिन में 2-3 महीने मतदान सही से लग जाएगा, कैसी तैयारी रहेगी आपकी? विशेष तौर से लोगों को क्या, किस प्रकार मिलेंगे या लोगों के पास कैसे जाएंगे, क्या स्कीम रहेगी? क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री जी का स्कीम तो सभी ग्रामीण लाभ उठा ही रहे हैं। निश्चित रूप से मैं तो चुनाव जीतने के बाद कभी इन 4.5 सालों में घर में बैठ के नहीं रहा, मैं लोगों के बीच में ही रहा। जो भी उनका समस्या आता था उसको मैं त्वरित निराकरण का कोशिश मैं करता हूँ। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो तुरंत निराकरण हो जाता है, कुछ ऐसे काम होते हैं जो न्यायालयों में लंबित हैं, उस काम में जो कि न्यायालयीन काम है तो वो उसके लिए भी हम निर्देश करते हैं कि लोगों को दिक्कत ना हो, जल्दी पेशी लेकर के और उनका जो समस्या हो उसका त्वरित निराकरण हो, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है, बाकी तो आप लोग ज़्यादा महसूस करेंगे क्योंकि मेरे पास तो कोई शिकायत भी नहीं करेगा, मेरे सामने मेरा शिकायत कैसे कोई करेगा, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है कि जनता वैसा कहीं नाराजगी जनताओं का दिख नहीं रहा है। अब वो तो चुनाव के समय ही बताया जनता बताएगी, और चुनाव के समय ही जनता का जो प्रेम है और जो भाव है वो पता चलता है कि सरकार किसकी बनती है और विधायक कौन बनता है। लेकिन आपको बता दें, हमारी चैनल का एक कार्यक्रम चल रहा था, इसमें एक यहाँ के आम जनता के लोग आए थे, उन्होंने अपने गांव की बिजली की समस्या की बात की जा रही थी, विधायक जी ने तत्काल फोन करके, विधायक जी उसके बारे में कुछ बताइए। अभी जो आपका लाइव कार्यक्रम चल रहा था साधना न्यूज का, आपसे एक व्यक्ति आपसे आप सवाल किए तो बताया कि हमारे यहाँ डीम लाइट का बात है। मैं निश्चित रूप से उस गांव में गया था और मैं संभवतः वहीं से अधिकारी को फोन भी किया था और संबंधित लोगों को बता भी दिया था कि देखो इसमें ऐसा ऐसा है, इतने दिन में लग जाएगा। लेकिन इसके बाद फिर उनके तरफ से कोई बात रिटर्न आया नहीं कि अभी तक काम नहीं हो पाया है। जैसे वहाँ पर आप सवाल किए और उनके तरफ से जो विषय आया, तो मैं आपका बाकी लोगों से बात करते तक मैं बिजली विभाग के अधिकारी से बात किया तो वहाँ अतिरिक्त ट्रांसफार्मर का आवश्यकता है, तो अतिरिक्त ट्रांसफार्मर जो है वहाँ के लिए पास हो गया है, वो मेरे को लगता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो लग जाएगा। निश्चित तौर पर हमारी कार्यक्रम चली रही थी तब तक विधायक जी ने तत्काल अधिकारियों को फोन किया और अधिकारियों से फोन करके तत्काल वहाँ ट्रांसफार्मर लगवाने का बात कही भी। और दूसरी चीज बता दूं, यहाँ जो समस्या रोड की अपन बात करने, स्कूल की, स्वास्थ्य की बात करने, मूलभूत पानी की समस्या, पानी की समस्या कब तक दूर हो पाएगी, लोगों को कब तक इसका लाभ मिल पाएगा? देखिए, जो जहाँ तक पानी का समस्या है, आजकल लोग जहाँ पर थे जहाँ पर पानी का व्यवस्था था, लेकिन अब लोग जो है अपने अपने खेतों के पास जाकर के बसना शुरू कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जहाँ पर 8-10 घर बन गया, अपने खेत के बगल में बना लिए हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर तो अभी व्यवस्था नहीं हो पाया है। लेकिन जैसे जहाँ का मांग आता है, जहाँ जानकारी मिलती है कि यहाँ पर आवश्यकता है, तो हम वहाँ पर करा देते हैं। तो जहाँ जहाँ का जैसा जैसा विषय आएगा उसके हिसाब से हम उसका समाधान भी करते जाएंगे। विधायक जी, एक प्रमुख मांग थी, अभी अपन लाइव में थे तो यहाँ कुछ स्थानीय पत्रकार हैं, वो पत्रकार अपने आप को सुरक्षा महसूस यहाँ नहीं कर पा रहा अपने आप को।
नहीं, मैं तो ऐसा नहीं समझ पा रहा हूँ। यदि ऐसा अगर कोई बात हो तो अगर हमसे बताएंगे तो निश्चित रूप से जो भी मदद होगा हम निश्चित रूप से मदद करेंगे। नहीं, उनकी कुछ कहना, पत्रकारों की कहना थी कि बिना पुलिस वाले जो हैं, बिना कहे, बिना जांच किए इनके ऊपर FIR दर्ज की जाती है। नहीं, तो वो विषय अगर हमारे पास आएगा तो निश्चित रूप से उसका समाधान करेंगे। आप पूछ लीजिएगा जिनके ऊपर भी इस तरह का विषय आया है, अगर हमारे पास विषय रखे हों तो बता दें। हमारे पास विषय रखेंगे तो निश्चित रूप से चाहे कोई पत्रकार हो, जनता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, किसी का भी समस्या अगर आता है तो हम उसका निराकरण के लिए सोचते हैं। लेकिन समस्या आएगा ही नहीं तो हम उसका निराकरण कैसे करेंगे। मुख्यमंत्री जी की बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट चल रही है, महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत सारी ड्रीम प्रोजेक्ट चल रही है, उसके लिए यहाँ के लोग कितना लाभ उठा पा रहे हैं, यहाँ की महिला कितना ऑप्शन। महिला सशक्तिकरण का जहाँ तक बात है, हम देखेंगे आज किसी भी गांव में आप जाइए, वहां पर किसी गांव में 3, किसी गांव में 4 महिला समूह बना हुआ है और हर महिला समूह कुछ न कुछ काम कर रहा है। जहां जहां पर गौठान है वहां पर सरकार अलग से भी व्यवस्था करके रखी है, कहीं पर हालर है, कहीं आटा चक्की है, कहीं तेल पेरने का मशीन लगा दिए हैं, कहीं लोग साबुन बना रहे हैं, इस तरह से अनेक काम करके वो अपने आप को सशक्त बना रहे हैं। उनको जहाँ तक प्लेटफार्म का आवश्यकता है तो प्लेटफार्म सरकार के द्वारा मुहैया कराई जा रही है और उस प्लेटफार्म में महिलाएं आ करके और अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। रोजगार की बात आती है, बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो गया, छत्तीसगढ़ शासन शुरू कर दिए, यहाँ के कितने बेरोजगार ऐसे होंगे जिनको रोजगार मिल पा रहा है, बेरोजगारी भत्ता मिल पा रहा है, कितना लाभ उठा पा रहे हैं? देखिए, जो बेरोजगार हैं, जिनको बेरोजगारी भत्ता मिलना है, वो जैसा जैसा फार्म भरते जा रहे हैं उसके अनुसार उनको मिलता जा रहा है। और मैं एक आपके न्यूज के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा, सरकार का जो बहुत बड़ी योजना धान खरीदी का है जिसमें आज 2800 रुपये कुंटल धान खरीदेंगे, तो हमारे जो नौजवान साथी हैं मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि हम लोग बेरोजगारी अपने आप को महसूस ना करें, हम खेतों की ओर जाएं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आज धान का बिक्री में किसी तरह का दिक्कत नहीं है, किसान क्रेडिट कार्ड बना करके उनको पूंजी के लिए जो आवश्यकता है पैसे का, वो पैसा भी सरकार दे रही है। धान का अच्छा उत्पादन करें, आजकल हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं उन लोग बिल्कुल आधुनिक ढंग से खेती करें और अपना आर्थिक स्थिति को ठीक करें। उसके साथ साथ मैं उन हमारे नौजवान साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि हम लोग एक तरफा हमारा सोचना हो, हम मेहनत करके अगर हम कमाएंगे तो निश्चित रूप से हम कहीं पर भी बेरोजगार नहीं हैं। आज हमारे क्षेत्र में बाहर के लोग आ करके यहाँ मिर्चा का खेती कर रहे हैं, मेरे को लगता है आज का रेट संभवतः 100 रुपये किलो होगा, 105 रुपये किलो है आज का रेट। तो किसी का भी जमीन ले लें, उनको पूंजी का आवश्यकता है तो पूंजी किसान क्रेडिट कार्ड से ले लें, और दूसरे का नौकरी क्यों करना चाहते हैं, खुद मालिक बने, दूसरे को काम दें, दूसरे को नौकरी दें। हम तो हमारे जो युवा साथी हैं उनसे हम ये अपील करेंगे, वो नौकर बनना क्यों चाहते हैं, खुद मालिक बने और लोगों को काम दें, हम तो ऐसा चाहेंगे। निश्चित तौर पे विधायक जी का जो मंशा है खुद को मालिक बनाना, बेरोजगारी पर भी ये खुल के बात की किस प्रकार रोजगार मिल पाए। और यहाँ जो महंगाई की बात आती है, ये महंगाई भी चरम सीमा में है। देखिए, महंगाई किस चीज को महंगाई की श्रेणी में हम ला रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर डीजल पेट्रोल का अगर बात करेंगे तो ये तो केंद्र का है, वहाँ से उसका भाव बढ़ाना घटाना केंद्र का काम रहता है। जहाँ तक अगर हम साग सब्जियों को अगर बोलेंगे कि ये बहुत महंगा हो गया है, तो महंगा होने से हमारे किसानों को ही तो उससे लाभ मिल रहा है, हमारे किसान उससे अच्छा आय अर्जित कर रहे हैं। जो डीजल पेट्रोल का बात है तो केंद्र का मामला है, केंद्र को इस चीज़ को सोचना चाहिए। उसका कितना असर हो पाएगा महंगाई को लेकर, केंद्र सरकार लगातार महंगाई जो बढ़ रही है, निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में कितना उसका असर दिखेगा? केंद्र सरकार का जो जो स्कीम है, जिसमें चाहे हम गैस का बात करें,
या फिर डीजल पेट्रोल का बात करें तो इसमें महंगाई बढ़ने से किसानों को भी नुकसान हो रहा है, आम जनताओं को भी नुकसान हो रहा है। तो उसका खामियाजा तो चुनाव के समय जनता दिखाएगा कि ये जो आप रेट बढ़ाए हैं इसका परिणाम ये है, जनता उस समय बताएगा। जनता ऐसी समय बोलती नहीं है, चुनाव के समय वो करके दिखाती है। निश्चित तौर पे वो तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है, जनता किसको वोट देती है, किसकी सरकार बनाती है, कौन विधायक बनता है। हमारे चलते चलते कुश्मी की जनता, सरगुजा की, छत्तीसगढ़ की जनता को क्या बोलना चाहेंगे? मैं निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के जनता और हमारे विधानसभा के जो भी हमारे किसान भाई हैं, नौजवान साथी हैं, मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत सारे योजना हैं, उन योजनाओं को पढ़ें, उसका पुस्तिका भी उपलब्ध है लोगों के पास, उसको पढ़ें और उन योजनाओं का लाभ लें और आर्थिक रूप से सभी सबल बने। हम यही हमारे सभी किसानों से, युवा साथियों से हम यही अपील करेंगे। निश्चित तौर पर विधायक जी से जो हमने बात की तो बेरोजगारी पर भी बात की, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग पर भी बात की, स्वास्थ्य को लेकर, रोड पर लेकर, और जो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है रोजगार, रोजगार को लेकर भी ये बहुत बड़ी अच्छी बात कहें कि लोगों को अपना आत्मनिर्भर बनना चाहिए। कैमरामैन राजेश के साथ मैं चंद्रशेखर गुप्ता, बैक टू स्टूडियो।